सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जिनके पास यार एक से ज़्यादा फॉर्म्स है। मतलब कि जैसे कोई पोकेमॉन तो वो एक नॉर्मल पोकेमॉन तो उसके पास एक ही फॉर्म रहती है, मतलब वो जैसा है वो वैसा ही रहता है। पर लेकिन कुछ ऐसे पोकेमॉन्स होते हैं जिनके पास यार एक से ज़्यादा फॉर्म्स होती है, मतलब वो उसमें बदल सकते हैं। जैसे कि तुम उसको मतलब वो अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, सीजन के हिसाब से बदल सकते हैं। तो ऐसे यार कुछ पोकेमॉन्स होते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड में। तो ऐसे मैं तुम्हें आज 10 पोकेमॉन्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रोटोम। तो फिर इसके पास यार अपनी 5 फॉर्म रहती है, हीट रोटोम, वॉश रोटोम, फ्रॉस्ट रोटोम, फैन रोटोम, मॉ रोटोम। तो फिर ये फॉर्म मतलब जो इसकी नॉर्मल टाइपिंग है इलेक्ट्रिक एंड घोस्ट, ये उसी टाइप का रहता है जब ये नॉर्मल में रहता है। पर लेकिन भाई इसके बाद जो 5 फॉर्म है, मतलब जैसे कि एक वॉशिंग मशीन अगर ये उसको पजेस कर लेता है, तो फिर ये बन जाएगा वॉश रोटोम। तो फिर इसकी टाइपिंग है वाटर हो जाएगी। नॉर्मली इसकी टाइपिंग इलेक्ट्रिक एंड घोस्ट है, पर लेकिन जब ये वॉशिंग मशीन को पजेस कर लेगा तो इसकी टाइपिंग हो जाएगी इलेक्ट्रिक एंड वाटर। और अगर माइक्रोवेव को करेगा तो ऐसे उसकी टाइपिंग हो जाएगी इलेक्ट्रिक एंड फायर, और ये वो बन जाएगा हीट रोटोम। और वो अलग अलग चीज़ों को ऐसे भाई पजेस कर सकता है, जैसे कि उसने फ्रिज को किया तो वो बनेगा इलेक्ट्रिक और आइस टाइप का, और वो बन जाएगा फ्रॉस्ट रोटोम। फैन को करेगा तो वो फैन रोटोम बन जाएगा इलेक्ट्रिक एंड फ्लाइंग टाइप का। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को पजेस करके अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है। पर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, बस ये 5 ही फॉर्म में आ सकता है, हीट रोटोम, वॉश रोटोम, फ्रॉस्ट, फैन और मॉ। हाँ, बस भाई ये उन्हीं की फॉर्म में आ सकता है, बाकी भाई वो नहीं आ सकते, बस ये 5 ही में आ सकता है। नंबर 2, डिओक्सिस। तो फिर इसके पास यार पूरी 4 फॉर्म्स है। एक तो इसकी हो गई नॉर्मल फॉर्म ही, और फिर दूसरी है इसकी अटैक फॉर्म, तीसरी डिफेंस फॉर्म, और चौथी है इसकी स्पीड फॉर्म। तो अटैक फॉर्म में यार इसका अटैक बढ़ जाता है, डिफेंस फॉर्म में इसका डिफेंस बढ़ जाता है, और स्पीड फॉर्म में भाई इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो फिर हाँ भाई, और ये अपनी मर्जी से यार कभी भी किसी भी फॉर्म में आ सकता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब इसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आने के लिए, मतलब ये अपनी मर्जी से जब भी इसका मन हो कि इसको अटैक फॉर्म में आने तो आ सकता है, जब भी इसको ज़रूरत हो तो आ सकता है अपनी मर्जी से किसी भी फॉर्म में। नंबर 3, कास्ट फॉर्म। ये एक मैनमेड पोकेमॉन है, और इसको एक वेदर इंस्टीट्यूट ने बनाया था होइन रीजन के, और इसको वेदर प्रेडिक्ट करने के लिए बनाया गया था। और इसके पास यार पूरी 4 फॉर्म है। एक तो ये इसकी जो मतलब ये रहते हैं कास्ट फॉर्म, जो कि नॉर्मल फॉर्म में रहते हैं कास्ट फॉर्म में, और इसके पास बाकी 3 फॉर्म है, सनी फॉर्म, रेनी फॉर्म और स्नोई फॉर्म। और ये वेदर के हिसाब से भाई अपनी फॉर्म चेंज करता है, मतलब जैसा वेदर होगा ये उस हिसाब से अपनी फॉर्म चेंज करता है। जैसे कि अगर बारिश हो रही होगी तो फिर ये आ जाएगा रेनी फॉर्म में, अगर स्नो हो रही होगी तो फिर ये आ जाएगा स्नोई फॉर्म में। तो हाँ भाई, ऐसे ही अपने वेदर को हिसाब से अपनी फॉर्म को चेंज करता रहता है, उसके पास 3 ही फॉर्म है। तो हाँ, ये तीनों में से भाई जौन सा भी वेदर हो रहा होगा, जो उस हिसाब से अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। नंबर 4, हुप्पा पोकेमॉन। तो फिर इसके पास यार टोटल 2 फॉर्म है। पहली है इसकी हुप्पा कन्फाइंड, जो कि जिसकी टाइपिंग है साइकिक और घोस्ट टाइप की, और दूसरी है हुप्पा अनबाउंड, जिसकी टाइपिंग है यार साइकिक और डार्क टाइप की। और दोनों ही भाई मतलब अच्छी है, मतलब स्ट्रांग है, पर लेकिन जो हुप्पा कन्फाइंड है वो तो मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। पर हुप्पा अनबाउंड के बारे में तो मतलब क्या ही कहना, उसको मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर तुम्हें हुप्पा कन्फाइंड से उसको हुप्पा अनबाउंड बनाना है तो तुम्हें एक आइटम लगेगा प्रिज्म बॉटल, उसी से भाई तुम्हें इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हो। नंबर 5, गैस्ट्रोडॉन पोकेमॉन। तो इसके पास यार 2 फॉर्म है, वेस्टी फॉर्म और ईस्टी फॉर्म। और अगर तुम्हें इसकी वेस्टी फॉर्म चाहिए तो तुम्हें सिरोजन के वेस्ट माउंटेन के वेस्ट पर जाना पड़ेगा, जब जाके तुम इसकी वेस्टी फॉर्म को कैच कर सकते हो। और इसकी जो वेस्टी फॉर्म है उसका कलर है यार पिंक और ब्राउन, और जिसकी ईस्टी फॉर्म है उसका कलर है यार ब्लू और ग्रीन, और वो तुम्हें सिरोजन के ईस्ट साइड पर जाके मिलेगी। नंबर 6, शेविन। तो इसके पास यार अपनी 2 फॉर्म है, एक है इसकी स्काई फॉर्म और एक इसकी लैंड फॉर्म। अगर तुम्हें इसको लैंड फॉर्म में से इसको स्काई फॉर्म में लाना है तो फिर तुम्हें एक आइटम लगेगा ग्रेजेडिया फ्लावर, जिससे भाई अपनी स्काई फॉर्म में आ जाएगा, पर तुम्हें इसको दिन के टाइम में यूज़ करना है। और इसकी लैंड फॉर्म में रहते हैं ग्रास टाइप का, पर जब तुम इसके ऊपर ये फ्लावर यूज़ करोगे ग्रेजेडिया फ्लावर, तो फिर भाई अपनी स्काई फॉर्म में आ जाएगा और इसकी टाइपिंग हो जाएगी फ्लाइंग एंड ग्रास। नंबर 7, एजी स्लैश पोकेमॉन। तो फिर ये कालो थ्रीजन से एक पोकेमॉन है, और इसके पास अपनी 2 फॉर्म है, एक इसकी शील्ड फॉर्म और एक इसकी ब्लेड फॉर्म।
वैसे तो ये हमेशा यार अपनी शील्ड फॉर्म में रहता है। अगर तुम्हें इसको इसकी ब्लेड फॉर्म में लाना है तो तुम्हें भाई इसको बस एक अटैकिंग मूव यूज़ करना है और बाकी फिर ये खुद ही आ जाएगा अपनी ब्लेड फॉर्म में। और बाकी वैसे ये हमेशा अपनी शील्ड फॉर्म में रहता है। बस भाई तुम्हें छोटा सा काम करना है इसको, बस अपने कुछ अटैक जिसमें अटैक करे डैमेज दे वो वाला मूव तुम्हें इसको यूज़ कराना है, फिर ये आ जाएगा अपनी ब्लेड फॉर्म में। नंबर 8 चेरिम पोकीबॉन। तो फिर इसके पास यार अपनी दो फॉर्म है और जो कि है इसकी ओवरकास्ट फॉर्म और सनशाइन फॉर्म। ये इसकी दोनों फॉर्म भाई ये जिसमें एक दोनों में यार ग्रास टाइप का रहता है और वैसे हमेशा अपनी ओवरकास्ट फॉर्म में रहता है पर लेकिन अगर धूप ज़्यादा होती है तो फिर ये अपनी सनशाइन फॉर्म में आ जाता है पर लेकिन वैसे भाई हमेशा अपनी ओवरकास्ट फॉर्म में ही रहता है। नंबर 9 अर्शिफू पोकीमोन। तो फिर इसके पास यार अपनी दो फॉर्म होती हैं, एक होती है इसकी सिंगल स्ट्राइक स्टाइल फॉर्म और इसकी टाइपिंग होती है फाइटिंग और डार्क, और दूसरी होती है इसकी रैपिड स्ट्राइक स्टाइल फॉर्म और इसकी टाइपिंग होती है वाटर टाइप। अगर तुम्हें कुंग फू को और सिंगल स्ट्राइक स्टाइल फॉर्म में इवॉल्व करना है तो तुम्हें उसको टावर ऑफ डार्कनेस में ले जाके इवॉल्व करना होगा, और अगर तुम्हें रैपिड स्ट्राइक स्टाइल में इवॉल्व करना है अपने कुंग फू को तो फिर तुम्हें उसको टावर ऑफ वाटर में ले जाके इवॉल्व करना होगा। तो फिर जब जाके भाई रैपिड स्ट्राइक स्टाइल में इवॉल्व होगा। नंबर 10 मोरपेको पोकीमोन। तो ये गलाटिन से एक पोकीमोन है और इसके पास यार तुम देख सकते हो दो फॉर्म है और इसकी दोनों फॉर्म यार एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट है। एक फॉर्म में तो यार बिल्कुल खुश रहता है और दूसरी फॉर्म में यार बिल्कुल ये बिल्कुल गुस्से वाला पोकीमोन बन जाता है। इसका अपीरेंस भी भाई बिल्कुल डार्क टाइप का हो जाता है। तो हाँ भाई बिल्कुल अपोजिट है इसकी दोनों फॉर्म। तो बस गाइस ये थी आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियोज़ के लिए। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।